हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज जो हमने टाइमिंग फिक्स किया था 9 बजे का, तो वो थोड़ा सा आज का वीडियो आने में डिले हो गया। इसका रीज़न है कि जो मेरा वर्क की टाइमिंग है वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया, उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। आई होप यू डोंट माइंड। अभी आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 39वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1994 का प्रीवियस ईयर का जो बुक क्वेश्चन था वो। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो अवसादी शैल हैं उनके लिए आपका उनके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये एक तो कि पानी में जो मोस्टली है वो पानी में विकसित होता है, जल में विकसित होता है। उसके अलावा इनका जवाब जो होता है वो पत्तों के रूप में होता है और जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं इसमें। अवसादी शैले रवेदार यानी कि क्रिस्टलीय फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो 75% आपके अवसादी शैले मिलेंगी यानी अवसादी चट्टाने मिलेंगी, और बाद बाकी जो 25% है उसमें रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों की मतलब विकसित है। तो इसमें अगर हम निकाल लें तो देखेंगे कि जल, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें डी ऑप्शन जो है कि ये शैले जल में निर्मित नहीं होती, तो नहीं, ये तो मोस्टली जल में ही निर्मित होती हैं, यानी इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, टीन मिलता है, टीन के लिए अगर बात की जाए तो टीन है आपका कायांतरित शैलों से, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। ऐसे भी ध्यान रखिए आप ना, जो संविधान की प्रस्तावना है वो बिल्कुल ध्यान में रखिए। उससे कई क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है कि आपका कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, या फिर कौन सा वर्ड पहले आता है कौन सा बाद आता है। उसके अलावा जो एक और चीज़ है, आपको जो संबत, विक्रम संबत, शक संबत, ये सब में जो संबत का डिफरेंस जो है कि कितने साल का डिफरेंस होता है, वो आप प्रस्तावना से बहुत अच्छे से निकाल सकते हो क्योंकि उसमें दोनों संबत के बारे में दिया गया है, तो उससे आप डिफरेंस करके निकाल सकते हो। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोनों संबंध में डिफरेंस कितने वर्षों का है। अगला है कि कितने कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल की अगर बात होती है तो वो प्रस्तावित हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में। अच्छा, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है, इसका जो मतलब पुष्टि करता है वो कौन करता है? तो इसका पुष्टि वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन, मौलिक अधिकार के जहाँ तक वर्णन की बात है तो वह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है। पंचायती राज विषय है, तो राज्य की राज सूची का विषय है ये पंचायती राज। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त की गई, आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ होता है कि कोई भी जो सबसे पहली बात आप कुछ चीज़ इसके बारे में जान लो। न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द जो है वो ऐसा नहीं है कि यही वर्ड उठा करके संविधान में किसी अनुच्छेद में रख दिया गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है कि कुछ जैसे ये है, हाँ, कुछ जो आर्टिकल्स है जैसे आर्टिकल 13B ले लीजिए, उसके अलावा आपका आर्टिकल 32 हो गया, 226 हो गया, 131 और 243, इसमें से ही जो वर्ड्स है उसके मतलब निकाल करके इसको लाया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन होता है कि मान लो कि कोई भी राज्य किसी भी तरीके का कानून बनाता है और अगर उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को भी लगे कि इससे जो यहाँ के नागरिक हैं उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वैसे सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
आर्टिकल जैसे 13 में बात किया गया है उसमें है कि मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। अच्छा, आर्टिकल 13 को एक और वर्ड बोला गया जैसे मूल संविधान का प्रहरी बताया गया है इसे, तो आर्टिकल 13 के थ्रू भी उसको मतलब न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आर्टिकल 32 और 226, जैसे आर्टिकल 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 32 तो आपको पता ही है क्या है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास दोनों के पास अधिकार है, उसके तहत वो लोग क्या करते हैं कि रिट जारी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका हो गया आर्टिकल जो, हाँ, इसमें आपका 131वीं आर्टिकल को अगर हम देख लें तो उसमें ये कि राज्य और केंद्र के बीच में कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के विवाद होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नया कोई भी फैसला देता है। और फिर आपका आर्टिकल 243, इसकी अगर बात की जाए तो उसके अनुसार से 243, चलो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। तो आर्टिकल 243 के तहत पंचायती जो राज है उसमें अमेंडमेंट हुआ था और पंचायती राज को वहाँ पर संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इन सारे चीज़ों में अगर कहीं भी राज्य ऐसा कोई नियम बनाता है जिसके तहत ऐसा लगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, इसके किस इससे किसी के अधिकार को मतलब हानि पहुंच रहा है, तो वैसे सेंस में उस कानून को रद्द करने का अधिकार होता है इनके पास, और यही होता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। अब है कि कल्याणकारी राज्य में आदर्श वर्णित हैं, तो आदर्श वर्णित की बात है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। अच्छा, ये वाला लगता है छूट गया ना, क्या कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद में पंचायत ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश है, तो सही बात है। चलिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को संगठित करने के बारे में निर्देश दिया गया था। अनुच्छेद 40 है क्या, DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल। उसके बाद अनुच्छेद 32 अभी मैंने बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने अभी क्या बताया। अनुच्छेद 48 की जब बात करते हैं तो ये भी DPSP का है, कृषि और पशुपालन का संगठन बनेगा इसके अंतर्गत ये कहा गया। और अनुच्छेद 51 भी DPSP के अंतर्गत है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अगला हम देखते हैं लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर का जो निर्वाचन है उसके सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो मंत्री पद पर रह सकता है सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के अंतर्गत में उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, नहीं तो हटा दिया जाएगा और ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिक अंतराल जो होता है वो कितने होते हैं, तो 6 महीने का अंतराल होता है, मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, प्रजातंत्र में लिखित होने का कोई मतलब नहीं है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, नहीं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, यही है प्रजातंत्र का मतलब, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 252 में इसका वर्णन किया गया है, उसमें है कि हथियारबंद विद्रोह अगर होता है, स्टार्टिंग में क्या था कि सिर्फ विद्रोह आंतरिक अशांति वर्ड दिया गया था इसके जगह, तो आंतरिक अशांति का ही फायदा उठाया था इंदिरा गांधी ने और राष्ट्रपति शासन लगाया था उन्होंने, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनावा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें हथियारबंद विद्रोह की बात करी गई थी, ठीक है। अब हो गया कि बाह्य आक्रमण के सेंस में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और युद्ध के आधार पर भी किया जा सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 252 पढ़े तो 256 के बारे में जान लीजिए, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसी भी राज्य में। और उसके बाद अनुच्छेद 260 की बात की गई, तो अनुच्छेद 260 आपका बीत आपात के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 260 का अभी तक भी उपयोग नहीं किया गया है। ओके, अगला हम देखते हैं कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है, तो क्योंकि ये 1994 का क्वेश्चन है तो तब का अलग था, उसके बाद बिहार का विभाजन हो गया था, तब बिहार था दूसरे स्थान पर और तीसरे पर महाराष्ट्र था। अभी पहले पर 80
सीटों के साथ यूपी है, महाराष्ट्र 48 का 48 सीट है महाराष्ट्र का, उसके बाद बंगाल है 42 सीट, और उसके बाद 40 सीट है आपका बिहार का। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि योजना आयोग एक है, योजना आयोग अभी तो है नहीं एक्चुअली ये, लेकिन जब था तो परामर्शी संस्था ये था, संवैधानिक नहीं था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो चुंगी कर, चुंगी कर अभी भी आय का जो मुख्य स्रोत है वो उत्पाद और सीमा शुल्क होता है, क्योंकि इसमें उत्पाद शुल्क नहीं दिया हुआ है, तो चुंगी कर आपका होता है, वही सीमा शुल्क की जो बात होती है वही चुंगी कर होता है। भारत की उत्पत्ति संतोषजनक रही, ये तो चलिए उस टाइम का करंट क्वेश्चन था तो इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। विभाजन के बाद भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, तो जूट और रुई का जो उद्योग है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, ये बांग्लादेश जो है आज के डेट में वहाँ पर चला गया है मोस्टली, तो इस कारण से काफ़ी नुकसान हुआ था भारत को। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आठ, ठीक है यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात अगर करें तो उसमें रोजगार को प्राथमिकता दिया गया था, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दिया गया था। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो आज के टाइम में भी और पहले भी सर्वाधिक लोग कार्यरत की बात है तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है, अगली बात करते हैं कि और ये वैसे हाँ अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो भारत के राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत की अगर बात की जाए तो वो है कृषि स्रोत, और कर की बात की जा रही थी तो चुंगी कर जो हमने देखा था। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो चाय का उत्पादक और उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ है वो। ठीक है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात की जा रही है तो वो है सिंदरी में। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की ग्रामीण संख्या का आबादी कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा को प्राप्त सुविधा पाती है, तो ये क्योंकि उस टाइम का करंट था, क्योंकि अब तो हम 2011 के जनगणना के अनुसार से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, अब है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो सामान्य शुष्क सेल की विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो उसमें होता है आपका जस्ता, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका। अच्छा, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है। ओके, अगला हम देखते हैं कि आकाश नीला होता है, इसका कारण क्या है, तो लघु तरंग दैर्घ्य तरंगें जो होती हैं, लघु तरंग जो होती हैं वो दीर्घ तरंग के अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित किए जाती हैं। एक और चीज़, अगर ये अगर ऑप्शन दे दिया तो सही है, नहीं तो अगर ऐसा दे दिया कि प्रकीर्णन के कारण तो सही है, वो भी बिल्कुल सही है। आपने देखा था कल भी ये क्वेश्चन मैंने, यानी कि जो 2019 का जो सेट था उसमें भी आया था कि आपका लाल जो तरंग दर्द है वो बैगनी तरंग दर्द उनके बीच का जो रिलेशन था वो निकालना था। ठीक है, एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन 10^-3 होता है, 10^-3 को आप 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है, तो सबसे पहले अतिचालक बनता कैसे है, अतिचालक हो गया कि जब जो भी विद्युत जो सॉरी चालकता जब अगर हम बात कर ले तो चालकता आप एक तो होता है उच्च चालक, एक होता है निम्न चालक और एक होता है अतिचालक। अगर हम अतिचालक के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे निम्न ताप पर, बहुत ही निम्न ताप पर कुछ पदार्थ का जो विद्युत प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, प्रतिरोधकता उसमें रहता ही नहीं, शून्य लगभग शून्य हो जाता है, तो उसे अतिचालक कहते हैं और इसी गुण को अतिचालकता कहते हैं। जो चालकता है वो क्या पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चालकता होगा उतना वो कुचालक क्या होता है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, तो यही चीज़ होता है। तो अतिचालक आपका लक्षण है, तो अनंत पारगम्यता का। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो प्लूटो पहले ग्रह का ग्रह में था, उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 274 वर्ष का टाइम लगता था, अभी क्या सूर्य का टाइम लगाने में जितना पृथ्वी का टाइम लगता है वही तो एक वर्ष के बराबर होता है, तो सोच लीजिए कि एक वर्ष उसका कितना बड़ा होता था, है ना। अच्छा, प्लूटो को अब वौने ग्रह की उपाधि दे दी गई है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का मेन रीजन है आपका उसका पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला देखते हैं कि कमरा में अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखे रखा जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा,
तो पहले तो कमरा थोड़ी देर तक ठंडा होगा और उसके बाद क्या होगा कि वो गर्म होने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तापमान तक नहीं 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 अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म करेगा वो, ठीक है। जिस खनिज में रेडियम पाया जाता है, किस खनिज में रेडियम पाया जाता है, तो रेडियम की बात की जाए तो पिच ब्लेड में रेडियम पाया जाता है। परमाणु बम जो है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं परमाणु बम। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है परमाणु संलयन का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि परमाणु संलयन का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र निकालने को कह रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। ये ऑप्शन कौन सा है, ये है आपका सही जवाब। नींबू खट्टा होता है, तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु है, एक वायु मिश्रण होता है एक, ठीक है। बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो बिरंजक चूर्ण की अगर बात की जाए तो बिरंजक चूर्ण क्या होता है, हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक भी होता है और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये सारे के सारे तो उसके गुण हैं, पर बिरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जल में विलेयता की बात ही नहीं की जाती, ठीक है। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण की बात की जाती है तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होता है, एक पारद धातु। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जल में बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो ये बताएं कि मछलियाँ सांस आखिर लेती कौन से पार्ट से हैं, जैसे हम लोग नाक से लेते हैं, तो मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो उनका जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य की बात की जाए तो नर्तन के कारण वो एक दूसरे को पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत, दो बार विकसित होते हैं। दो बार विकसित होने का रीज़न है कि वो एक बार वो बचपन में जब दांत निकलता है, दांत निकलने के बाद वो टूटता है, टूट करके फिर से दांत निकलता है, तो ऐसे कितने दांत हैं, तो वो हैं आपके 20 दांत। अच्छा, टोटल कितने दांत होते हैं कई तो इससे रिलेटेड कई बातें हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, जब डांटना हो या फिर गुस्से में, तो हम इससे रिलेटेड कोई बात बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो, और एक बार ज़रूर बताएं कि मनुष्य के जो मुंह में कितने दांत होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती हैं, ठीक है। तो अभी अस्थियों के बारे में मैं पूरा वर्णन करती हूँ आपको। टोटल अस्थियां कितनी होती हैं, 206 होती हैं टोटल अस्थियां। अच्छा, मनुष्य की खोपड़ी की बात की जा रही है, तो मनुष्य की खोपड़ी में आपकी टोटल ऐसे तो 32 होती हैं अस्थियां, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 32 नहीं है एग्जाम्पल में, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दें। मनुष्य की खोपड़ी में 32 अस्थियाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो 8 अस्थियाँ होती हैं ना, वो होती हैं संयुक्त रूप से मनुष्य को के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 पूरा क्वेश्चन उतना डिस्क्राइब करके नहीं दे दिया, लेकिन अगर हम ऑप्शन देख लें तो फिर 8 आप ध्यान में रखें कि यही 8 अस्थियाँ जो है वो मनुष्य मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, और उनसे जो रचना बनती है ना उसे हम कपाल कहते हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त आप ये चीज़ जान लें सॉरी, हाँ 8 तो चलो आपका कपाल बनती हैं, और उसके अलावा जो 14 और बच गए, क्योंकि टोटल मैंने 22 बताया, तो 14 जो और बच गया उससे चेहरे का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसमें क्या है कि आप ये देखिए, अगर आप देखते हैं खोपड़ी की बात करते हैं तो खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं, कान में 6 अस्थियाँ होती हैं, पैर में 62 अस्थियाँ होती हैं, हाथ में 64, धड़ में 51 और कंठ में 1 अस्थि होती हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम मिला लेते हैं तो यही हो जाता है आपका कि 206 टोटल अस्थियों की संख्या, ठीक है। आगे हम ध्यान में रखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज की बात की जाए तो क्रोमैग्नॉन मनुष्य जो है वो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो वो आपका बीज से और तना से दोनों से मिलता है। माँ पौधे का मतलब है कि माँ क्या करती है, जन्म देती है, तो तना से और बीज से दोनों से जन्म हो सकता है नए पौधे का। 80% से अधिक सेल में पाया जाता है, तो जल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से मिलता है, तो इंसुलिन डालियों के जड़ों से मिलता है। इंसुलिन जो डायबिटीज़ में जो इंसुलिन लगाया जाता है तो वो डालियों के जड़ों से मिलता है।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन के संश्लेषण के लिए किया था और जिसके लिए उन्हें पुरस्कारित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रेप्लेसिया पुष्प है, और रेप्लेसिया पुष्प का जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर का उसके फूल का डायमीटर होता है, यानी कि लगा लीजिए कि 50 सेंटीमीटर उसका रेडियस होता है। तो आप एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हो। और दूसरी बात है, ये 8 केजी इतना भारी होता है, इसका वजन 8 केजी तक भी होता है। तना काट आमतौर पर किसमें प्रबंधन किया जाता है? तो तना काट करके क्या लगाया जाता है? गन्ना लगाया जाता है, कपास, आम और केला, ये सब का तो बीज लगाया जाता है, ठीक है। मटर है, तो मटर एक साग के पौधा के रूप में है। और विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण होता है, ठीक है। प्राकृतिक वरण करके ही हम विकास करते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती हैं, तो पैर की हड्डियां खोखली होती हैं। अब ये बताइए पैर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? अभी अभी मैंने बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस चीज़ को। छोटा नागपुर जनजातियाँ विद्रोह कब हुआ था? तो विद्रोह आपका हुआ था 1800, छोटा नागपुर की जो जनजातियों में विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो कल भी मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में, और ये आप देख रहे हो कि 3 सेट हमने किया और तीनों में ये क्वेश्चन आ गया चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। इसमें 3 कठिया प्रथा थी, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर आपको क्या करना होता था, इसकी नील की खेती करनी होती थी, ठीक है। अलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो अलगुलान विद्रोह जो है आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था? तो बरहियाताल उद्देश्य जो विद्रोह था वो वकास्त भूमि की वापसी को लेकर के मांग किया गया था। जो 1900 के दशक में जो भी हुआ था आपका विद्रोह, वो मोस्टली कृषि से ही रिलेटेड था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ठीक है, बिहार जो है डेट के साथ मैंने आपको बताया था, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ, और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होता है, और वही झारखंड की बात की जाए तो 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग होता है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1916 ईस्वी में हुई थी। 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया? तो ऐसे ही 1930-32 में बरही कांग्रेस ने, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि गया जिला में नाकाम किया था। भारत के खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानी है, तो खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की है, तो ये क्योंकि 1994 का क्वेश्चन है, तो तब समृद्ध कौन सा था? बिहार था। अभी तो झारखंड अलग हो गया, तो फिर खनिज का कोई चीज़ बचा नहीं बिहार में। बिहार में जंगल फैले हुए, ये तब का क्वेश्चन है जब झारखंड सार्थ में था, तब तो 29 लाख हेक्टेयर था, लेकिन आज के डेट में अगर हम निकाल लेते हैं तो 6845 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार में जंगल फैला हुआ है। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 7.27% में जो है वो बिहार में जंगल फैला हुआ है, ठीक है। बिहार में एक इस्पात कारखाना है, तो पहले, अब तो ये झारखंड में हो गया, पहले जमशेदपुर क्या था, इस्पात कारखाना, वो बिहार में था, बिहार का अंग था। हुंडू जलप्रपात निर्मित है, तो हुंडू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है, और ये राज्य, अगर जिले की बात की जाए तो रांची में है ये। अच्छा, हाल ही में ये सब आपका करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन को करने का कोई मतलब अभी नहीं बन पाता। क्या है 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन पाया जाता है वो कहाँ पैदा किया जाता है? तो उज्बेकिस्तान में 73 ऊन का निर्माण होता है। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, आज वही हाल है यहाँ का। ये भी तब का है। सोच लीजिए कि 3 तलाक कब से चलता आ रहा है इसका मैटर। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत आगे है? ये भी आपका तब का है क्वेश्चन। चलिए ये भी करंट का है, करंट का है, करंट
निरसंस प्राणी, हाँ 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निरसंस प्राणी इनमें से कौन है। तो निरसंस प्राणी की बात करें तो वो हो गया आपका कछुआ, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय अस्थि कौन है, तो राष्ट्रीय अस्थि की बात की जाए तो वो है आपका बाघ। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक युग में इसका वर्णन था, ठीक है। आद ऐतिहासिक युग का है ये सिंधु सभ्यता। 800 से 600 ईस्वी पूर्व काल किस युग से जुड़ा है, तो 800 से 600 ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो सूत्र युग उस वक्त था, ठीक है। सूत्र युग उस काल को कहते थे। बीजक कोई का महत्व इसलिए है कि बीजक को, चलो बोगज कोई, तो बोगज कोई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें आपका वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया था। उसमें क्या है, इंद्र ब्रह्मा ये सब के बाद में वहाँ एक अभिलेख मिला था, उसमें इंद्र ब्रह्मा ये सब का संवाद के बारे में लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। तो वही है आपका बोजक कोई का। गायत्री मंत्र किसमें, तो गायत्री मंत्र का वर्णन आपका ऋग्वेद में है, ठीक है। संयुक्त युग में उरायूर किस लिए विख्यात था, तो संगम युग की उरायूर की बात की जा रही है, तो उसमें उस टाइम में कपास का जो व्यापार होता था उसका वो मुख्य केंद्र था उरायूर, ठीक है। अब उस युग उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलित पन्हों ये आपका व्यापारिक जो मार्ग वगैरह है उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था मिलित पन्हों में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो आपको अभिलेख बाबरू स्तंभ में, मतलब ये आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी कि अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया था। किस अभिलेख में यह साबित किया गया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आपको ये चीज़ मतलब इससे आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है, तो हिंद यूनानी लोग का भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय की बात की जा रही है तो मखलीपुत गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया, तो गुप्त वंश में ब्राह्मण और मंदिर ये सबको अधिक भूमि पैसे ये सब चीज़ दान में दिया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्वत है, तो अछूत की भावना अगर की जाए तो उत्तर वैदिक काल जब आया तो उस समय अछूत की भावना बहुत विकसित था, ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान दिया, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम अक्ता का उनको उपाधि दिया था, प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई, तो अलाउद्दीन के टाइम में खालसा भूमि को अधिक जो ये था अधिक पैमाने पर विकसित किया गया था। इसमें क्या था कि जो भी भूमि वगैरह दाने सब में दिया हुआ था पहले से, उन सभी को इसने वापस लेकर के और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। सल्तनत काल के सिक्के टंका सरसनी और जितल जैसे धातुएं किस धातु के बने होते थे, तो ये सारे चांदी और तांबा के ही बने होते थे, ये सारे के सारे क्या थे, मुद्राएँ थे। बारहमासा की रचना किसने किया था, तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा की बात की जाए तो जहांगीर ने शुरू किया था, ठीक है। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का क्या जड़ था, तो उनके झगड़े का जो मुख्य जड़ था वो था आपका कांधार का एरिया, ठीक है। एक मिनट, अरे सॉरी, पता नहीं वो मैं तो भूल भी गई कि कितना नंबर क्वेश्चन में कर रही थी। चलो इधर होगा आई थिंक। तो कांधार का जो एरिया था वो उनको उनके बीच में हमेशा विवाद का कारण था, ठीक है। जवाबित का संबंध किससे है, तो जवाबित राज कानून से इसका संबंध है, ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अगर हम जब्ती प्रणाली की बात करें
तो जब्ती प्रणाली आपके शेर शाह की उपस्थिति अगर जब्ती प्रणाली के बारे में और भी डिस्क्राइब करके पूछता है तो अगर जब्ती प्रणाली का जो जनक पूछा जाए तो टोडरमल था, टोडरमल जब्ती प्रणाली का वो जनक था। लेकिन क्योंकि टोडरमल शेर शाह के दरबार में कार्य करता था इसलिए जब्ती प्रणाली का संबंध आपके शेर शाह से भी है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का जो मुख्य कारण था वो था उसकी सैन्य कुशलता। ऐसे भी मुगलों की सैन्य कुशलता काफ़ी अच्छी थी, धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला गया। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की अगर मुख्य विशेषता की बात की जाए तो उस टाइम में जो बंदरगाहों की का विकास हुआ था और बंदरगाहों से उनका जो आमदनी था वो बहुत अधिक था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा भी आपका भू राजस्व प्रथा था, जो मराठों का ये भू राजस्व प्रथा था। ठीक है, अगला हम बात कर ले क्वेश्चन का कि 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्थापित किया था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंग्रेज लोग भारत में कब आए थे। महाराष्ट्र में रोम से कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रोम से कृषक जत्था की बात की जाए तो वासुदेव बलवंत फड़गे ने स्थापित किया था। ठीक है, 1878 ईस्वी में वडाकुरर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है वडाकुरर जो प्रेस एक्ट है उसके बारे में। तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था और वही फिर से लॉर्ड लिटन जब वायसराय बनते हैं तो इसको फिर एक मिनट इसमें कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था 1978 में ना? तो 1978 में आपका ये रद्द किया था लॉर्ड लिटन ने रद्द किया था। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसमें चलिए देख लेते हैं हम 1978 की बात की जा रही है। तो 1978 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तो उसमें 1978 में लॉर्ड लिटन लेकर के आए थे और उसके तहत समाचार पत्रों वगैरह पर काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन 1882 में क्या किया, लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। हिंदुस्तान में अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति की अगर हम बात कर ले तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ये गदर क्रांति का कारण था। ठीक है, गदर क्रांति आपका हुआ कब था ये भी आप ध्यान में रख सकते हो इस चीज़ को। गदर क्रांति आपका एक मिनट, इसका इस भी एक बार मैं आपको बता दूँ। गदर क्रांति मुझे लगता है कि अराउंड 1920 के टाइम में शुरू हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे एक्चुअली डेट नहीं याद है। अगर आप में से किसी को याद है तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बताना, नहीं तो फिर मैं गूगल से सर्च करके फिर बता सकती हूँ, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, फिर गलत बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसी के बाद इसकी शुरुआत हुई थी गदर क्रांति की। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्ण प्रदर्शन कर सके? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस टाइम में जो होम रूल समर्थक थे वो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किए थे और सफलतापूर्ण वो रहा था वो प्रदर्शन उनका।
होम रूल आंदोलन के डेट से भी आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ कहाँ का और क्या हुआ था, कब हुआ था, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रोक्स आसपास की चीज़ों से कोरिलेट करके पढ़ा करिए, जिससे कि आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सके। कोरिलेट करने पर आसानी से आप किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अवध का एक्का आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो एक्का आंदोलन सबसे पहली बात हुआ कब था, एक्का आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था मदारी पासा के द्वारा। मदारी पासा के द्वारा अवध में हुआ था। इसमें क्या था कि स्पेशली जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने लगान ये सब के विरोध में उन्हें एक्का आंदोलन की शुरुआत की थी, और उनका जो हेड था वो मदारी पासा था। 1920 ईस्वी में शुरुआत किया था। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था। तो जो 1920 में जो मीटिंग हुआ था वो आपका हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का बागडोर संभालने के लिए अनुरोध किया गया था। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1917-18 होगा, 71 और 17 कैसे हो सकता है। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो जो स्टार्टिंग में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें क्या था आपका, सूरत वगैरह का जो हुआ था सत्याग्रह, वो आपका क्या बोलते हैं, इसमें जो मिल ये सब में जो हुआ था सत्याग्रह वगैरह चलाया जो गया था, तो 1917 में आप जैसे कि देख लेते हैं कि चंपारण आंदोलन करवाया, और 1918 में जो सूरत में मिल का हुआ था उसमें आपका औद्योगिक कर्मी ही मेन रूप से भाग लिए थे। यहाँ आपका नील वाले में बात की जाए या फिर कपड़ों के फैक्ट्री में बात की जाए, तो औद्योगिक कर्मी थे वहाँ पर, कृषक वर्ग नहीं थे, औद्योगिक कर्मी थे जो अहमदाबाद में जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था उसमें। अच्छा, चंपारण वाले में पूछ रहे, तो इसमें तो आप जो है वो आप कृषक वर्ग ही डालेंगे, क्योंकि इसमें किसानों पर बोझ आ रहा था, और उसमें क्योंकि वो कह दिया है 1718 बोला, इस कारण से मैंने चंपारण का डिटेल में वर्णन किया। अच्छा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। ठीक है, दादाभाई नौरोजी का कल बहुत फेमस बुक का नाम मैंने बताया था, और क्या उसमें दिया गया था वो भी बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में उनके बुक का नाम बताएं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो 1937 की जो उनकी समिति में उनकी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने भू स्वामित्व को समाप्त करने का की बात किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आईए ने किन के दिमाग की उपज थी, और इसकी स्थापना किसने इसकी स्थापना की। आईएनए की बात की जा रही है, तो डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। नाई धोबी बंद सामाजिक वायकट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 ईस्वी में चलाया गया था। तो क्या नाई धोबी बंद भी एक तरीके से आप कह लो कि ये चलाया गया था आपका, ये भी लगान ये सब के विरोध में ही चलाया गया था। 1919 से 1922 ईस्वी के, 1919 से 1922 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह चला था, और इसमें क्या था कि जो किसान लोग ही चलाए थे, ये प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था। आप जिला का नाम क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में ये चलाया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो जो शिवालिक जो शैलें हैं उनका दक्षिण में भाबर क्षेत्र, भाबर खादर ये सब आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, तो वो गिरिपथ की स्थिति का एक उदाहरण है। ये भाबर जो क्षेत्र होता है वो भाबर के बाद आपका खादर आता है, बांगर आता है, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो वहाँ पर प्रवाल किससे उसकी उत्पत्ति हुई है, लक्ष्य की, प्रवाल द्वीप समूह। ठीक है, भारत का विस्तार, भारत का विस्तार क्योंकि यहाँ पर उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में भारत का विस्तार है। आपका इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की जाए तो 2933 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत का 2.2% है। चलो क्षेत्रफल में तो चेंजिंग नहीं आया, लेकिन संपूर्ण उसकी मानव जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ये तब का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% अभी जो वर्ल्ड का जनसंख्या है उसका भारत का जनसंख्या है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, तो गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई तो 600 मीटर की गहराई है वो सतह के नीचे। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी व्यवस्थापन से इंगित है, इसका कारण है, तो जो मानसून आता है वो क्या आता है, स्थल और समुद्री विभेद के कारण होता है, जो हवाएं चलती हैं या फिर उसकी वजह से जो बारिश होती हैं, अलग अलग हवाओं की वजह से बारिश होती हैं, स्थल पर उसका इफेक्ट पड़ता है, इन यही सारी रीज़न है आपके मानसून वगैरह आने का या मौसम जो चेंज होता है उसका, तो स्थल और समुद्र का विभेद तापन। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है, तो मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी सभी का स्रोत है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच है, तो हिमालय में हिमरेखा की बात की जाए तो 4500 मीटर पश्चिम की ओर इसका हिमरेखा है। ठीक है, भारत का तट रेखा आपका 6100 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत का जो तट रेखा है वो राज्य बताएं जो पूरी तरीके से आपका, मतलब सबसे लंबा जिसका तट रेखा है, आप उसका बताएं, उस राज्य के बारे में बताएं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में आपका गेहूं सम्मिलित नहीं है, कपास, गन्ना और जूट तीनों के तीनों नकदी फसल है। निम्न में से कौन सा भारतीय महाद्वीप देश के अनुसार सबसे बड़ा है, तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार से देखें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जंगल भी यहीं पर है। निम्न औद्योगिक कस्बों में से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका रांची में स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। अच्छा, पहले के टाइम में दामोदर नदी को कहीं का शोक बोला जाता था, तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दामोदर नदी को कहाँ का शोक बोला जाता था। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो वो श्रीलंका, आपको पूर्वी समुद्र की बात की जाए तो श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान के पास कहाँ, पाकिस्तान का हाँ थोड़ा सा पार्ट उसका समुद्र से टच करता हो, नहीं पाकिस्तान का पार्ट समुद्र से टच नहीं करता। निम्न से किस युग्म का मिलान सही है, तो भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य सागरीय गर्मी की वर्षा नहीं, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा वहाँ पर, हाँ गरज के साथ, भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी बारिश नहीं, मरुस्थल क्षेत्र जारे की वर्षा नहीं। चलिए ठीक है, तो इसमें जो सही मिलान है वो आपका है भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा होती है, बी नंबर ऑप्शन सही है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, क्यों, विकिरण के कारण, अगर मेघी रात होती है तो विकिरण होकर के मतलब जो यहाँ का उष्मा है वो यहीं पर रह जाता है, लेकिन साफ होने पर वो ऊपर चला जाता है और नीचे ठंडा सा मौसम हो जाता है। ठीक है, तो विकिरण के कारण है वो चीज़। मोना लोआ उदाहरण है, तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है आपके कौन सा द्वीप है उसका नाम, मोना लोआ, हवाई द्वीप, हाँ हवाई द्वीप समूह पर है ये मोना लोआ, सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये आपका हवाई द्वीप
समूह पर है, ठीक है। और भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, उसका नाम आप बताएं और ये भी बताएं कि वो कहाँ में स्थित है, और अगर थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हो तो कब ऐसा हुआ जब, नहीं छोड़ो, फिर तो आपको पूरा का पूरा हिंट से मिल जाएगा, आप इतना ही जवाब दे दो, ओके। सर्व प्राचीन शैल समूह की की आयु आकी जाती है, तो जो शैल समूह की आकी जाती है वो है आपका यूरेनियम की लेड विधि द्वारा, आयु जो आंकने की बात हो रही है तो यूरेनियम का लेड विधि द्वारा। अच्छा, जो कार्बन ये आपका है C4 विधि यानी कार्बन डेटिंग विधि, ये सब ये उम्र का ही पता लगाने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है, पर अलग अलग क्षेत्रों में। अगर हम ये शैलों की बात करें, वही प्राचीन शैल की, तो सबसे जो नई विधि है वो आपकी यूरेनियम की लेड विधि है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार की बात की जाए तो वो है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट में आपका जो कोयले का प्रतिशत होता है वो आपका 85% एंथ्रासाइट में होता है, ठीक है। और इसका जो भंडार है वो काफ़ी सीमित है। बिटुमिनस में आपका एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस है, वो 70-85% तक इसमें कोयला होता है, अर्ध बिटुमिनस तो कुछ होता नहीं। पीट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट यही होता है, पीट सबसे लो कैटेगरी का होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें अगर किसी भी चीज़ के संरक्षण की बात की जाए तो उसे बर्बाद होने से बचाने, उसको नुकसान से उसको सुरक्षित करना ही होता है आपका संरक्षण की बात हो तो। अगला है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरा रोसा का जो विकास की बात की जाए तो आपका चूना पत्थर जहाँ पर होता है वहाँ पर उसका विकास होता है, ठीक है। अच्छा, ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में देखिए आपको हॉर्स को ऐसे लिखा जाता है, क्या है अपोजिट वाले को देखिए कि -1 करके लिखा है, ई को डी लिखा है, एस को आर लिखा है, ऐसे। तो मंकी को क्या लिख सकते हो, तो वाई को एक्स लिखेगा पहले, फिर ई को डी लिखेगा, तो एक्स डी एक्स, जिससे एक ही ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसका इस श्रृंखला में निकालने का रहा है, तो देखिए कि 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है और इसका स्क्वायर होते जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि डी ए नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स वाई जेड यू की वृद्धिमान क्रम है, वृद्धिमान क्रम यानी बढ़ते क्रम, एक्स वाई जेड यू, ठीक है। और डी आर क्यू एन और कह रहा है कि यू वाई और डब्ल्यू घटते क्रम है, यू वाई डब्ल्यू ह्रास क्रम है, ठीक है। ऑप्शन अब देख लीजिए कि एक्स वाई जेड, तो ये तो एक बढ़ते क्रम में हो गया, डब्ल्यू वाई जेड की बात की जा रही है तो घटते क्रम में, सही बात है ये, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा डब्ल्यू वाई और जेड, तो ये भी आपका हो गया बढ़ते क्रम, और यू वाई डब्ल्यू ये तो घटते क्रम, ये तो दिया हुआ ही है, यानी कि जो ये आंसर है इसमें तो कोई क्रम ही नहीं निकल करके सामने आ रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस छोटी संख्या से गुना करने पर यह पूर्णतः भिन्न हो जाएगा, 10 को तो आप बिल्कुल बाहर ही निकाल दीजिए, 100 को, 100 10 का स्क्वायर हो गया, 567 को हम करेंगे जब इसका निकालेंगे तो आपका जैसे 9 × 9 आपका 3 का हो गया, 9 × इसका जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आपका अगर एक अकेला 7 आ जाएगा, आप कितना मैं तोड़ कर बताऊँ, एक अकेला 7 आ जाएगा और वही 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपका हो जाएगा कि 7 से गुना करने पर ये पूर्णतः वर्ग हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है कि ए बी सी का मंगलवार सोमवार बुधवार का औसत दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मंगलवार सोमवार इसका औसत निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 226, और मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत दिया हुआ है इसमें करेंगे तो 229 आपका हो जाएगा, लेकिन मंगलवार और बुधवार दो बार आ गया ना इसमें, ठीक है। और क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान 44 दिया हुआ है, तो मंगलवार बुधवार का तापमान ही निकल जाएगा, 44 दे रखा है तो वहाँ से माइनस कर देंगे हम, जब बी और सी यहाँ से जब हम माइनस कर देंगे तो 41 डिग्री सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि किसी संख्या में 40% वृद्धि के लिए वह पर्याप्त है,
तो संख्या 1.4 गुना हो जाएगा। सही है, अगर 100 है 40% वृद्धि करते हैं तो 140 हो जाता है, तो 1.4 गुना हो गया ना। तो ये ए नंबर ऑप्शन तो सही है, किसी संख्या में 40% कमी करेंगे तो 1.4 से विभाजित किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कह सकते, ये 40% कम करने का मतलब इतना है और वो 14 से डिवाइडेड नहीं है 1.4 से, यानी कि बी ऑप्शन गलत है। चलिए एक्स का, अगर एक्स का 33.1/3 यानी कि 1/ जो इसको 100/3 ले ले वो 11 है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू आपका 33 हो जाएगा। सही है। अगला है कि दिल्ली से अमृतसर के लिए दो गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर 75 किलोमीटर के स्पीड से चलती हैं, तो दोनों दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो अच्छा आप ये बताइए कि एक तो 10 बजे और एक 11 बजे चलती है ना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक 10 बजे चल रही है और एक 11 बजे चल रही है, जो दूरी तो कह नहीं रहा, दिया नहीं है। ये मान लो दूरी है 10 बजे दिल्ली से चलना स्टार्ट करी, 11 बजे यहाँ से, तो ये एक घंटा दिल्ली से चलना स्टार्ट करी ना, दिल्ली से किस स्पीड में चल रही है, 60 किलोमीटर के स्पीड से, तो एक घंटे में तो 60 किलोमीटर वो दूरी चल ली, ठीक है। अब बाद बाकी वो मिलती हैं, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेंगी। 60 किलोमीटर तो आपका इधर हो गया, एक घंटा में चला हुआ। अब जो डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है 75 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ना, एक मिनट, इसमें और दूरी तो दे, तो यहाँ देख लीजिए आप कि क्या कह रहा है। एक घंटा तो वो एक्स्ट्रा चल रही है ना, एक घंटा में 60 किलोमीटर दूरी वो तय कर ली, तब ये यहाँ पर पहुँच गई, ये यहाँ पर पहुँच गई 60 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि ये क्या है कि एक अमृतसर के तरफ से और एक दिल्ली के तरफ से आ रही है, दोनों के बीच में जो वो दूरी अगर ऐसे देख ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 15 घंटे का डिफरेंस हो गया है ना, 15 घंटे का डिफरेंस हो गया, तो 60 किलोमीटर कितने दूरी कितने देर में तय करेंगी, 4 घंटे में तय करेंगी, ओके। अगर दिल्ली से वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही हैं तो 75 × 4 हो गया, यानी कि 300 की दूरी वो क्या तय करेंगी, ठीक है। अगर दिल्ली से दूरी निकाल दिया जाए तो वो 300 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है कि एक परीक्षा में 20% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में असफल रहे, ऐसे देखिए असफल रहे ना, यानी सफल 20% रहे, सफल 80% रहे, और हिंदी में असफल रहे, तो हिंदी में सफल इतने रहे, 27% दोनों में असफल रहे। यदि उत्तीर्ण छात्रों का इतना है तो परीक्षा में बैठने वालों छात्रों का कितना है संख्या। चलिए अब तीनों का तीनों असफल वाला दे दिया, तो सफल वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ई, देखिए इंग्लिश यानी 20 + 35 और माइनस दोनों ना, तो -27 ऐसे निकालेंगे तो 28% आ जाएगा। 28% क्या रहे, असफल रहे, यानी कि सफल कितने रहे, 72% सफल रहे। कह रहा है कि सफल होने वाले का संख्या कितना है, 288 है, तो 72 × 4 = 288 होता है, तो टोटल छात्र कितने होते हैं, 100% होते हैं, यानी कि 400 हो जाएंगे टोटल छात्रों की संख्या, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घड़ी सोमवार 2 बजे, ये देखिए सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है, तो उसके समय उसने ठीक समय कब दिया, ठीक है। तो जब घड़ी का जब भी बात, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन निकालते हैं, अब ये देखिए कि 48 घंटे में, 2 दिन की बात की जा रही है ना, तो 48 घंटे में कितना टाइम का डिफरेंस आया, 8 मिनट का, ये पहले तो 3 मिनट पीछे थी, बाद में 5 मिनट आगे हो गई, यानी 8 मिनट का फ़र्क आया, 6 आवर में 1 मिनट का फ़र्क आया होगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या है कि 3 मिनट आगे हो रहती हैं वो सोमवार को और बाद में
वही 3 मिनट आगे है, 3 मिनट पीछे है सोमवार को, तो 3 मिनट का 3 मिनट टाइम मेंटेन करने के लिए एक 6 घंटा में 1 मिनट टाइम मेंटेन करती है, तो 3 मिनट मेंटेन करने के लिए 18 घंटा लगेगा, है ना। तो आप 18 घंटा बाद तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ जाएगी, उसके 6 घंटा बाद वो 1 मिनट फास्ट होगी, ऐसा होगा ना। तो 18 घंटा आप दोपहर, सोमवार के दोपहर 2 बजे से जोड़ लीजिए, तो सोमवार का दोपहर 2 बजे, तो दो उसका मंगलवार का रात 12 बजे, दो रात 2 बजे, तो वो 12 घंटा हुआ, है ना। 6 घंटा और जोड़ लीजिए, तो 2 में 6 घंटा और जोड़ेंगे तो 8 बजे, यानी मंगलवार का सुबह 8 बजे वो बिल्कुल सही टाइम दी थी। सी इसका अब आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए, आज तो मैंने बहुत कोशिश किया है इस लेक्चर को थोड़ा छोटा करने का। आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई किया करिए। जो आप लोग मैंने कमेंट में देखा था कि हाँ आप मैम आप एयरपोर्ट के पास रहते हो, फ्लाइट की आवाज़ आ रही है, ये वो, तो अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन एक अच्छी पावर होती है, इंसान के अंदर में विकसित होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्जर्वेशन सही है, पर ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई पर। आप पढ़ाई कर रहे हो तो साइड की आवाज़ जो है ना, उसे आप थोड़ा इग्नोर करके चला करें, वो ज़्यादा सही होगा। वैसे हाँ, मैं एयरपोर्ट के पास ही रहती हूँ, पर पटना एयरपोर्ट नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट के पास रहती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, करंट का क्वेश्चन रेगुलर देखा करें। ये जो प्रीवियस ईयर के सेट करवाए जा रहे हैं, इसके अलावा आप अपने आप से जो क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब प्रैक्टिस सेट्स वगैरह का भी तैयारी किया करें, जिससे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, आज थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या करोगे, थोड़ा सा टाइमिंग, ड्यूटी की टाइमिंग इधर उधर होते रहती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप लोग बस उस टाइम में जो टाइमिंग 9 बजे से था, उस टाइम में आप कुछ और पढ़ लो, थोड़ा लेट होगा और कुछ नहीं। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि टाइमिंग पर सारा कुछ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।